गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज से मैं यूट्यूब सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, इसको मैं ट्रैवलिंग के नाम पे डेडिकेट करना चाहता हूँ। अभी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उसमें मैं ये कवर करूँगा कि 3 दिन में चेन्नई को कम्प्लीट घुमा कैसे जाए, डे 1 डे 2 डे 3 करके। आज हमारा पहला दिन है, हम जाएंगे यहाँ से महाबलीपुरम, जो कि लगभग 50 किलोमीटर है टीनगर से। घूमने के लिए मेरे पास एक बाइक है, पल्सर 180 cc। तो स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिप, यहाँ से चलेंगे महाबलीपुरम। से 10 किलोमीटर पहले एक जगह है, बहुत फेमस नाम आ चुके हैं, ये है लायंस केव। अब यहाँ पे केव जैसा क्या है ये हम देखेंगे। ये जो जगह है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन की जाती है। इस बोर्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते हैं, जेल होगी। विकिपीडिया में देखा था कि वो केव बनी हुई थी, मतलब कि एक केव थी, उसके ऊपर मतलब लायन जैसा फेस बना रखा था, तो उसी को लायंस केव कहते हैं। आई थिंक यही होगा। ये पब्लिक के लिए ओपन है, यहाँ कोई टिकट नहीं है ना? लायन तो नहीं दिखा, लायन केव हमें मिल गई है। देयर इट इज। ये है हमारी लायंस केव महाबलीपुरम। ये पूरा एरिया ही जो है बहुत एंशियंट चीजों के लिए बहुत फेमस है, खासकर पल्लवा डायनेस्टी और 8th century AD में बहुत सारे। उस टाइम तो जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर था वो पूरा पत्थरों पे डिपेंड करता था, पत्थरों को तराश के हम मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे। देख रहे हैं ये केव जैसा है और इसके चारों तरफ लाइन बने हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लायंस केव। से नीचे जा सकता हूँ बट फिसलने का खतरा है, बट आई विल ट्राई। ओके लेट्स गो। एंट्रेंस पे खड़े हैं हम, ये देखिए किस तरह से इसको तराशा गया है। हालांकि इसकी सफाई में थोड़ी सी कमी रह गई है, मे भी ये बहुत पुराना है तो बारिश होती है, धूप होती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स में डैमेज भी होते हैं।
उधर चल के देखे। चलो सुबह जल्दी उठ के ना भाई, तुम एक दिन सुबह 5 बजे उठ के देखो, तुमको पूरा दिन लंबा लगेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। और मोबाइल यूज कर ऐसे भाई टाइम देखने का। आपको एक फोटो याद हो कि इटली रोम की लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ठीक वैसा ही, उससे ज़्यादा इंक्लिनेशन है इसका। और मजे की बात यह है कि ये 1500 साल से खड़ा है। फोटो ले लिया, घर जाके से देखेंगे। और यहाँ जो भी स्कल्पचर्स हैं, रॉक्स हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आर्किटेक्चर इन लोगों का, ये पूरा 8th सेंचुरी का बना हुआ है। पल्लवा डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था इसे। उस टाइम सोचिए एक राजा की एक ख्वाहिश होती थी कि हम एक ऐसा कुछ बनाएंगे, केव बनाएंगे, और उसके लिए कितने मजदूर उस पर काम के लिए लगते थे, और उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। ये जो हम केव देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, ये सिर्फ उन राजा लोगों का ईगो होता था उस टाइम, जिसे कि दिखाया जाता। They should know the darkness behind this beauty. चलो चलो अब वक्त हो गया यहाँ से निकलने का। यहाँ से निकल के हम जाएंगे आई थिंक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा। फोटो तो अच्छी आई है, कैमरे पे हैं, बुराई ना करें। अगला जो डेस्टिनेशन है वहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है पता है, एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, समझ रहे हो, राउंड शेप में, वो स्लोप पे टिका हुआ है। वो है हमारी मेन रोड, वहां से हम लेफ्ट साइड जाएंगे और यहाँ हमारी बाइक खड़ी है। इस वीडियो में हम पूरा कंटेंट नहीं दिखा पा रहे हैं बिकॉज एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अगली वीडियो हम जल्दी निकालेंगे, एक दो दिन में निकाल देंगे।